वेलकम टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। लेह लद्दाख का ये मेरा तीसरा वीडियो है। लेह में आपको लोकल साइट सीइंग कहाँ करनी है मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। कल हम लोग 2 दिन के लिए नुब्रा और 1 दिन के लिए पेंगोंग के लिए निकल जाएंगे। नुब्रा और पेंगोंग जाने के लिए आपको इंडियन परमिट निकालनी पड़ती है जो आज हम लोग निकलवा देंगे। तो चलिए अभी मैं आपको लेह के लोकल साइट सीइंग के बारे में बताता हूँ। लेह डे 3 23/6/2021। हम लोग कर्मा गेस्ट हाउस परफेक्टली होमस्टे में 3 दिन रुके थे। यहाँ रूम भी अच्छे हैं, गर्म पानी भी आता है, सफाई भी अच्छी रखी जाती है, गेस्ट हाउस के ओनर भी अच्छे हैं। लेकिन नज़दीक में कोई रेस्टोरेंट नहीं है और पास में कोई दुकान भी नहीं है। मार्केट जाने में टैक्सी वाले करीब 150 से 200 रुपये चार्ज लेंगे। होमस्टे में वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, यानी कपड़े धोने में काफ़ी टाइम लगता है। टी, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। रहने के सिवाय सारी फैसिलिटी में आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, कोई फैसिलिटी फ्री नहीं है। यदि गेस्ट हाउस समझ के आप जाते हो तो आप यहाँ पर रुक सकते हो। यदि फैमिली के साथ जाते हो तो ले मार्केट वाले रोड पर रुकना ठीक है, क्योंकि ये रोड पर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। ले में गेस्ट हाउस में सुबह फर्स्ट डे पे ही मेरी मम्मी को ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसके ऊपर मैंने एक अलग सा डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। अब हम लेह में लोकल साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने मेडिकल स्टोर से ऑक्सीजन सिलेंडर रेंट पर ले लिया। सोनम नुर्बू मेमोरियल हॉस्पिटल, उसके एग्जस्ट सामने ही आपको बहुत सारी मेडिकल स्टोर दिख जाएगी जहाँ से आप ऑक्सीजन सिलेंडर रेंट पर ले सकते हो। क्योंकि सुबह में ऑक्सीजन मेरी मम्मी का कम हो गया था तो हमने सोचा एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर सेफ्टी पर्पस से अपने साथ रखते हैं। ले से ले हॉल ऑफ फेम अप्रोक्स 4 किलोमीटर। ये हॉल ऑफ फेम का टिकट काउंटर है, यहाँ से आप एंट्री टिकट ले सकते हो। एंट्री टिकट लेने के बाद आप साउंड एंड लाइट शो, जोरावर फोर्ट और हॉल ऑफ फेम देख सकते हो। पर पर्सन आपको 125 रुपीज़ पे करने हैं। हॉल ऑफ फेम भारतीय सेना द्वारा उन बहादुर भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया एक म्यूजियम है जिन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। यहाँ पे कारगिल वॉर में जो वेपन्स यूज हुए थे उनको बताया गया है। मुझे यहाँ पे वीडियो शूट नहीं करने दिया था, यहाँ पे आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। सियाचिन रीजन में भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाई गई है। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये बर्फ़ पे चढ़ने वाली सीढ़ियाँ और उनके कुछ इक्विपमेंट्स है। ये उनके रहने के लिए टेंट है। युद्ध के दौरान यहाँ पे खींचे गए फोटोज भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे शॉप भी है जहाँ पे आप टी शर्ट्स, कैप्स, कॉफी मग्स, पश्मीना शॉल्स पैसे देके खरीद सकते हो। अगर आप हॉल ऑफ फेम को पूरा घूमना चाहते हो तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे, पर आपके 2 से 3 घंटे वर्थ इट है। क्योंकि इंडियन आर्मी किस तरह से रहती है, कौन से चीज़ इस्तेमाल करती है वॉर के दौरान, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई।